अभिनंदन है, बज चुके हैं रात के 8 मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन एकेडमी के ऊपर। रात 8 बजे हम 50 क्वेश्चंस का टेस्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है जिसका हम शॉर्ट डिस्कशन भी करते हैं, कभी कभी ये डिस्कशन लॉन्ग भी हो जाता है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, 11 मई को यानी आज हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए अभ्यास बैच शुरू हुआ है, जो एक क्रैश कोर्स है मेरे दोस्तों। और कल आपका फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, फाउंडेशन बैच याद रखिएगा, कल फाउंडेशन बैच बीपीएससी का शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर में हमारे 7 टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं आपको। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है जो 30 दिसंबर को समाप्त होगा, 14 मई को शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम में 8 महीने का है, मेरा क्लास इकोनॉमिक सितंबर महीने के अंदर लगेगा मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज के सेशन में। अभी सरदर्द कैसे आलोक जी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तेल वेल लगाया हूं, दिख रहा है पूरा बाल में तेल वेल लगा के, नवरत्न तेल लगा के बैठा हूं, है ना। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, यानी 14 मंथ्स यानी 14 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है दोस्तों। रेफरल कोड आपको यूज करना है SSR10। 30 सेकंड का दोस्तों और इंतजार करेंगे, वी विल वेट फॉर 30 सेकंड एंड वी विल स्टार्ट द क्लास। हम सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार करेंगे। SSR10 का रेफरल कोड, 1 ईयर का जो फीस है वो है 7920 मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, 8800 रुपए ओरिजिनल फीस है। इसमें से जब आप SSR10 लगाते हैं तो ये 7920 होता है, फिर जब आप मैक्सिमम क्वाइन माइनस करते हैं तो मैक्सिमम 10% होता है और ये 7128 होता है। चलिए तो शुरू किया जाए क्या, शुड वी स्टार्ट नाउ, एक बार थम्स अप कर दीजिए। और थम्स अप मारिए दबा के भाई, इसमें भी कंजूसी, थम्स अप में भी कंजूसी, हाँ मारिए दबा के, बटन तोड़ दीजिए मार के एकदम। गति का आयामी सूत्र क्या है, देखिए ध्यान से निकालिएगा, गति का आयामी सूत्र पूछ रहा है। MLT-1, आप ये समझ रहे हैं ना, T-1 है यहाँ पे, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ऊपर में पावर है, ध्यान रखिएगा। MLT-1 M0, LT-1 ML0, T-1 MLT-1, पोल लगाइएगा, 1 2 3। अभी जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होगी सारे पेंडिंग पीडीएफ को अभी अपडेट कर दूंगा मैं, डोंट वरी, आज सारे पेंडिंग पीडीएफ अपडेट कर दिए जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। टाइम हो गया, अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए किसी भी गति का आयामी सूत्र मिला है, आपको पता है कि गति का आयामी सूत्र क्या होता है, आयामी सूत्र होता है M0 LT-1, ध्यान रखिएगा इस बात का। किसी भी भौतिक मात्रा का मापने का तरीका क्या होता है, एक निश्चित मूल इकाई होती है, और वो मूल इकाई बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ये सब मानी जाती है, किस तरह की होती है, तो आयाम ने इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड माना जाता है। कैरेट की एक इकाई क्या है, देखिए अब वैसे आप मेरे को फॉर्मूला डिराइव करने करिएगा ना, तो मैं केवल फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा, लेकिन अब देखिए होता क्या है ना, आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, ये आपको पता है। तो आपको पता है कि स्पीड को हम भी से करते हैं, भी बराबर क्या होता है, डी इंटू टी होता है, डी का क्या होता है, एल होता है, होता है, टी का क्या होता है, तो टी ब्रैकेट में होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। और गति का आयाम सूत्र निकालना है तो आपको बराबर पता हो गया ना, भी बराबर क्या हो गया, एल हो गया, L ब्रैकेट में T हो गया। अब L T है तो आपको यह भी पता है कि इस L को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, V into L L ब्रैकेट T, ऐसे करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेरे से मत निकलवाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कैरेट की एक इकाई क्या है, कैरेट की इकाई पूछ रहा है लंबाई आयतन घनत्व द्रव्यमान, ध्यान से लगाइएगा इस क्वेश्चन को, 1 2 3, थोड़ा फास्ट लगाइएगा मेरे दोस्तों। कैरेट की एक इकाई क्या है, साइंस नहीं है, आज साइंस भी क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा साइंस मिलेगा, सिर्फ साइंस नहीं है। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा मास, याद रखिएगा कैरेट यानी कैरेट की इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों, तो मास होती है, आपको पता है 1 मेट्रिक कैरेट, आपको पता है 1 मेट्रिक कैरेट बराबर क्या होता है, 200 मिलीग्राम होता है, क्या होता है जी, 200 मिलीग्राम, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 0.2 ग्राम के बराबर होता है, यानी 0.2 ग्राम के ये बराबर होता है, याद रखिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, डायमंड वगैरह देखते हैं कितने कैरेट का है, तो ये कैरेट ऐसे मेजर किया जाता है, 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
क्रिप्टो मुद्रा दान स्वीकार करना शुरू करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र संगठन कौन सा था? आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, अभी हाल ही में हुआ है। याद रखिएगा, पोल लगाइए, 1, 2, 3, थोड़ा फास्ट लगाइए मेरे दोस्तों, फास्ट। क्रिप्टो करेंसी आप सुने ही होंगे, और क्रिप्टो करेंसी अगर आप नहीं जानते तो आप बिटकॉइन को जानते होंगे मेरे दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है वैसी करेंसी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। टाइम अप हो गया, करेक्ट हो गया। यूनिसेफ, याद रखिएगा, यूनिसेफ दुनिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया, ऐसा संगठन बन गया है जो अब डोनेशन होता है ना कि हम 1 लाख दान कर दिए, 2 लाख दान कर दिए, तो उसमें अब लोग क्रिप्टो करेंसी में भी दान कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? क्रिप्टो मुद्रा का मतलब होता है कि इस करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एक तरह का कोड होता है। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए कोड दे देते हैं, हम कोड दे देते हैं कि 1, 4, 5, इसका मतलब हो गया 10 करोड़। तो आप कहीं 1, 4, 5 डालेंगे ना, उनका जो सर्वर होता है, तो वहां आपको 10 करोड़ के बदला कैश मिल जाएगा। तो यूनिसेफ एक पहला संगठन है जिसने ये किया है, क्रिप्टो करेंसी को दान को स्वीकार करना शुरू किया है, याद रखिएगा। और पहला दान भी आ चुका है, वो आया एथेरियम फाउंडेशन से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, एथेरियम फाउंडेशन जो है ये पहला ऐसा वेंचर बना है जिसने इसको दान किया है, याद रखिएगा। यूनिसेफ के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, ये सब यूनिसेफ की हैं। डब्ल्यूटीओ आपको पता है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था कमेंट बॉक्स में बताइए, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, एक आभासी मुद्रा है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा तैयार की जाती है और उसको सुरक्षित रखा जाता है। एक नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क के अंदर इनका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेड होता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आपसे पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल, न्यूटन, जॉल, वाट? पास्कल जॉल नहीं होगा, जूल होगा यहां पे। पोल लगाइएगा, 1, 2, 3, बिल्कुल सही, गैट होगा मेरे दोस्तों, गैट। गैट इज द करेक्ट आंसर, गैट था 1995 में, आपको पता है इसका नाम हो गया डब्ल्यूटीओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज साइंस का वेटेज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप साइंस से भागते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पास्कल। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 65वीं बीपीएससी का पूछा हुआ है, 65th बीपीएससी के अंदर में ये सवाल पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है। लोग गलती कर देते हैं, देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, देखिए अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे, अगर बल की बात करेंगे, बल के बारे में बात करेंगे, तो उसका क्या होता है, न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है, फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, आप पढ़े होंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। और पी का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है P का क्या होता है, न्यूटन, P मतलब प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा आप पास्कल की अगर हम बात करते हैं, तो पास्कल किसका होता है, दबाव का ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर का, याद रखिएगा पास्कल। बहुआयामी गरीबी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। बहुआयामी गरीबी मापने में कितने संकेतक का इस्तेमाल किया जाता है? 66वीं बीपीएससी में इनडायरेक्ट रूप से यह प्रश्न पूछा गया था, 3, 5, 3, 10, 9। पोल लगाइए, 1, 2, 3। क्लास में भी आपकी कॉपी के अंदर मैंने ये लिखवाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसको कहते हैं और इसमें क्या होता है। बहुत लोगों के गलत उत्तर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखिए इससे। बेसिकली गरीबी मापने का एक नया तरीका है जो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था। इसमें बेसिकली कितने आयाम है, एक प्रश्न पूछता है कि आयाम कितने हैं, तो याद रखिएगा आयाम 3 है। ये आयाम कौन कौन से हैं, तो पहला आयाम है शिक्षा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, पहला एजुकेशन, दूसरा स्वास्थ्य है हेल्थ, स्वास्थ्य, और तीसरा होता है जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ये जीवन स्तर। तो अगर एग्जाम में पूछे कि आयाम कितने हैं, तो मेरे दोस्तों 1, 2, 3, ये 3 आयाम है। अब इन आयामों के अंदर में, इसके अंदर में 2 पार्ट है, इसके अंदर में 2 पार्ट है, 2, 2, 4, और इसके अंदर में 6 पार्ट है, यानी टोटल 10 पार्ट है ना। अब सबका जो वेटेज होता है 1/6 होता है वेटेज, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, 10 भी बता दीजिए। देखिए 10 बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा के अंदर में 2 चीजें हैं कि स्कूल में बच्चे, स्कूली शिक्षा कितना है और बच्चों का नामांकन का दर कितना है, ये 2 बातें होती हैं। स्वास्थ्य के अंदर में हो जाती है बाल मृत्यु दर कितना है, ये तीसरा हो गया। चौथा पोषण होता है कि पोषण उनको कितना दिया जा रहा है, ये इन पर गरीबी डिपेंड करता है, 4 हो गए। पांचवा आता है जीवन स्तर, पांचवें नंबर पे आता है बिजली इनको कितनी मिल रही है, ये हो गया 5। फर्श कैसा मिल रहा है, ये हो गया 6। पीने का पानी कैसा मिल रहा है, ये हो गया 7। स्वच्छता कैसी है, 8। ईंधन कौन कौन सा, वो लकड़ी तो जला के खाना नहीं बना रहे हैं, ईंधन कौन सा मिल रहा है, 9। और संपत्ति एसेट कितना है, हो गया 10। ये 10 हैं मेरे दोस्त।
निम्नलिखित में से किसने तथागत रॉय की जगह ली और मेघालय के 21वें गवर्नर बने? आपको पता होना चाहिए, अभी अभी हाल में हुआ है 21वें गवर्नर बने। अच्छा, ये कार्यक्रम कौन करता है याद रखिएगा, यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मेरे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर में है। निम्नलिखित में से किसने तथागत रॉय की जगह गवर्नर बने हैं? सत्यपाल मलिक, तथागत रॉय, भगत सिंह कोश्यारी, ई एल नरसिम्हम। बहुत इजी ऑप्शन है, 1 2 3 पोल लगाइए। मेघालय की बात कर रहा है, मेघालय की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर के उप, पहले जम्मू कश्मीर के थे, है ना, बिहार के भी थे, बिल्कुल। तो टाइम हो गया आप मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको पता होना चाहिए कि पहले बिहार के सत्यपाल मलिक थे, बिहार के बाद जम्मू एंड कश्मीर गए, और जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये कहां गए? तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये मेघालय के बने हैं, याद रखिएगा। कहां के बने हैं? मेघालय के बने हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये गोवा गए थे, और गोवा के बाद मेघालय आए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गोवा गए थे और गोवा के बाद ये मेघालय आए हैं मेरे दोस्तों, ये इनका चौथा है। सत्यपाल मलिक बेहद ही ईमानदार और बेहद ही शिक्षित गवर्नर हैं, और इन्होंने तथागत रॉय को मेघालय में अभी अभी रिप्लेस किया है, याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी कौन है जी, जरा बताइए, भगत सिंह कोश्यारी कहां के हैं? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दूसरी बात कि तथागत रॉय को कहां बनाया गया है, कॉपी में लिख लीजिएगा, तथागत रॉय को त्रिपुरा बनाया गया मेरे दोस्तों। कहां बनाया गया? त्रिपुरा का। तथागत को त्रिपुरा का बनाया गया है, और मेघालय का 3 साल ही कार्यकाल अपना पूरा कर लिए, पूरा करने के बाद त्रिपुरा का इनको 5 साल के लिए बनाया गया। ई एल नरसिम्हम, ई एल नरसिम्हम कहां के हैं मेरे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के हैं। कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के थे, उसके बाद इनको कहां बना दिया गया? आंध्रा भेजा गया, और अभी फिलहाल तेलंगाना के अंदर में है, ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल कहां के हैं? तेलंगाना के अंदर में है, तेलंगाना के अंदर में। देखिए, फिर आप लोग हमसे डिस्कशन ज्यादा करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? रेडियो पाठशाला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पोल लगाइए। 1 2 3 कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो, कोविड का समय चल रहा है, आपको पता है कोविड महामारी है जाए, और कोविड महामारी के कारण ये स्थिति की गई है 2020-21 के अंदर में। चलिए, तो बहुत बढ़िया, धोखेबाज सिद्धांत भिखारी, करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया उड़ीसा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए, बेसिकली ये 4 से 8 तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम क्या है, उड़ीसा सरकार ने लाया है। इसके अंदर में क्या है कि रेडियो स्टेशन पे 15 मिनट के लिए, कितने देर के लिए मेरे दोस्तों? तो 15 मिनट के लिए ये कार्यक्रम होगा, 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए क्लास 8 तक के बच्चों के लिए रेडियो पर कक्षाएं दी जाएंगी, ठीक है ना। और लगभग इससे 60 लाख बच्चे इससे क्या होंगे, मतलब इनको फायदा मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के बारे में बात कर लें, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम बताइए जरा, उड़ीसा के गवर्नर का नाम बताइए, पटनायक। इसकी राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर। और गणेशी लाल यहाँ के कौन है? तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो आप एक चम्मच के जगह एक प्लेट ले आइएगा, प्लेट में ऐसे पानी लीजिएगा और इसको तर्पण कर लीजिएगा अपने आप में। 3 × 10⁶, 3 × 10⁸, 3 × 10⁻¹ एंड 3 × 10⁻¹². पोल लगाएंगे सभी लोग, 1 2 3। अदिति कश्यप मारी है 0.2 पर, बहुत बढ़िया अदिति, अदिति भी सीख गई है, बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है भाई इस क्लास के अंदर में, कॉम्पिटिशन बड़ा टफ है, लेकिन मानना पड़ेगा। 1 सेकंड से कम में टॉप 20 लोग हैं कम से कम, जो 1 सेकंड से कम में उत्तर दिए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸, आपको भी पता है 3 × 10⁸। क्यों ऐसा होता है? वैक्यूम होता क्या है? वैक्यूम किसको कहते हैं? निर्वात किसको कहते हैं? वैक्यूम एक ऐसा स्थान होता है जहां कोई भी चीज नहीं होती है, जहां प्रेशर इतना कम होता है कि अंतरिक्ष में कोई भी कण वहां की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती। और याद रखिएगा, ये किसका दिया हुआ है स्पीड निकालने का तरीका? 1676 के अंदर में मेरे दोस्तों, 1676 के आसपास डेनिस के एक डेनमार्क के खगोल शास्त्री हुआ करते थे, ओले रोमर, नाम याद कर लीजिएगा, क्या नाम था? ओले रोमर मेरे दोस्तों, ओले रोमर, उन्होंने ही ये दिया था। बिहार की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? बिहार स्पेशल है। बिहार की नगदी फसल कौन सी है? चाय, रबर, गन्ना। भैया आज आपने क्लास का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कितने लोग लाइव हैं, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया आज आपने, इतना मोहब्बत इस क्लास को मिला है, इसलिए मेरा तबीयत खराब था फिर भी मैं आया हूं।
टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया गन्ना मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया गन्ना, गन्ना। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए बस, मैं भी थोड़ा फोन खोल के स्क्रीनशॉट ले लूं, बहुत दिन के बाद मेरे लिए भी एक ये यादगार मौका है, आप लोग कोई ले लीजिए हमको भेज दीजिएगा। बिहार की मुख्य नगदी फसल क्या है, गन्ना। नगदी फसल कहते किसको है, वैसा फसल जिससे बेचकर पैसा कमाया जा सके, वैसा फसल जिससे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। बिहार देखिए, बिहार की अगर आप बात करते मेरे दोस्तों, ये गंगा बीचों बीच बहती है और गंगा के जो नजदीक का जो ये बेसिन वाला इलाका है मेरे दोस्तों, बेसिन वाला जो इलाका है, इस बेसिन इलाके के मैदानी इलाकों के अंदर में खूब सारी नगदी फसल होती है जिसमें मुख्यतः गन्ना होता है। क्यों गन्ना होता है, क्योंकि गन्ना के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो जलोर मिट्टी चाहिए, जिसको आप एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, और जलोर मिट्टी गन्ना के लिए चाहिए और जो भूमि संसाधन चाहिए वो बिहार के अंदर में उपलब्ध है। उसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं कि बिहार की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, तो बिहार की मुख्य फसलें चावल है, बिहार की मुख्य फसलें गेहूं है, और बिहार की मुख्य फसलें मक्का है। याद रखिएगा, ये तीनों बिहार की मुख्य फसल है। बिहार सब्जियों का पूरे भारत के अंदर में, सुनो, बिहार सब्जियों का पूरे भारत के अंदर में सबसे बड़ा उत्पादक है। लोग यूपी आंसर मारते हैं, गलत है, बिहार है। याद रखिएगा, बिहार जो है पूरे भारत के अंदर में, चलिए भाई 400 लोग हो गए, लाइक कर दीजिए एक बार, बिहार सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू, प्याज, बैगन और फूल गोभी, खासकर फूल गोभी की अगर हम बात करें, खासकर अगर फूल गोभी की हम बात करें मेरे दोस्तों, फूल गोभी की अगर हम बात करें, तो फूल गोभी में बिहार सबसे अव्वल स्थिति में है, सबसे ऊपर बिहार है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ केला और अमरूद का भी हम लोग आगे में है। लीची की अगर हम बात करें, तो लीची में भी बिहार जो है, लीची में भी बिहार जो है सबसे आगे है मेरे दोस्तों, इस बात का याद रखिएगा, लीची में भी बिहार सबसे आगे है। नेक्स्ट, ध्वनि डैश में, ध्वनि के बारे में पूछ रहा है कि ध्वनि डैश में अधिकतम फैलती है, प्रसार करती है, गैस, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, पोल लगाइए, 1, 2, 3। पोल लगाइए 1, 2, 3। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आज सारा रिकॉर्ड आप लोगों ने तोड़ दिया है, आप बहुत एक्सप्लेन करते हैं सर, सब बात याद हो जाता है। चलिए, याद हो जाए, भगवान करे आपको सब चीज याद हो जाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी ऑप्शन, याद रखिएगा, सॉलिड के अंदर में। सॉलिड में क्यों कह रहा हूं, सॉलिड इसलिए कह रहा हूं कि जो साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, ये सबसे ज्यादा इसका प्रसार सॉलिड में होता है। क्यों, क्योंकि ठोस जो होता है ना, जो ठोस होता है उसमें एक कण दूसरे के सटा रहता है, तीसरे के सटा रहता है, चौथे के सटा रहता है, पांचवें के, ये एक दूसरे से परस्पर सॉलिड के अंदर में। मान लीजिए ये सॉलिड है, ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए सॉलिड है, तो उसमें एक एक कण एक एक से सटा हुआ है, यहां मारेंगे यहां से सब आवाज बल जाएगा। उसी तरह से आप अगर लिक्विड में जाएंगे तो थोड़ा दूरी पे होता है, गैस में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दूरी पर होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा फास्ट इसमें चलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बफर हो रहा है क्या, बाकी लोग कमेंट करके बताइए, बफर हो रहा है क्या, नहीं ना। फ्यूज पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन, आज साइंस जानबूझ के ज्यादा दिया गया है। फ्यूज के बारे में सवाल पूछ रहा है कि फ्यूज क्या है, सुरक्षा उपकरण, ये 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 63वीं बीपीएससी का। सुरक्षा उपकरण और धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यह टिन और लीड मिश्र धातु से बना है, कम गलनांक होता है, बहुत अधिक प्रतिरोध किया गया है। ध्यान रखिएगा, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक, पोल लगाइए। वाह जी, अब शाबाश। चलिए मेरे दोस्तों, तो टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया ई ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूज का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है कि ज्यादा होता है, फ्यूज का गलनांक कम होता है, तभी तो ये पिघलता जल्दी नहीं है। इसके अंदर में टीन और लीड मिश्र होता है, याद रखिएगा, ये भी सही बात है। टीन कितना प्रतिशत होता है, टीन याद रखिएगा 62%, और लीड कितना होता है, तो 38% लेड होता है, 62% ये होता है। और आपको ही पता है कि घर में आपके फ्यूज लगता है ताकि कोई करंट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पोल लगाइएगा मेरे दोस्तों, 1, 2, 3। किस राज्य के राज्यपाल थे मेरे दोस्तों, पोल लगाइएगा, 1, 2, 3। बनने से पहले, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के उत्तर आ गए मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के उत्तर आ गए हैं, बहुत बढ़िया।
तो बहुत सारे लोगों के उत्तर आ गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेरे दोस्तों, बी बिहार। याद रखिएगा ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है रामनाथ गोविंद, 2017 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और इनका जो पहला कार्यकाल था राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 में ये बिहार के गवर्नर बने थे, जो 2017 तक रहे थे। 2015 से लेकर 2017 तक ये क्या थे, तो यहाँ के बिहार के गवर्नर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 2019 के अंदर में राज्य राष्ट्रपति बनने के बाद इनको सर्वोच्च सम्मान, एक पुरस्कार होता है गिन्नी, एक नाम की देश है गिन्नी, उस देश के अंदर में सर्वोच्च पुरस्कार जिसको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट कहा जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी खासियत क्या है, यूपी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये भारत के सबसे अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, कुल मिला के 8 ऐसे हैं जिनके साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा करता है, यूपी के अंदर में ही है। सर आप इस संडे टीम में सबसे अलग है। संडे टीम का मतलब क्या है? निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत योजना के रूपांतरण का है, 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, सेम थोड़ा सा चेंज था कि क्या कर रहा है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल, लोहे का बक्सा, टेलीविजन, मसाल, बिजली का पंखा, पोल लगाइए 1, 2, 3। बीपीएससी टीम में, क्या बीपीएससी टीम में, सर आप इस बीपीएससी टीम में सबसे अलग हैं। अच्छा, प्रजाति हमारा अलग है ना, अलग प्रजाति के हैं हम, कोई बात नहीं। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, बिजली का पंखा। क्यों बिजली का पंखा, वाई इलेक्ट्रिक फैन, वाई इलेक्ट्रिक फैन, कैसे होगा इलेक्ट्रिक फैन? देखिए इलेक्ट्रिक फैन के अंदर में कौन सी एनर्जी होती है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो घूमने लगता है, वो जो है क्या करने लगता है, घूमने लगता है। घूमने के कारण कौन सा एनर्जी काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सुन लीजिए, ऊर्जा की अगर आप बात करते हैं, जैसे ही इसमें ऊर्जा की बात होती है ना, यहाँ पे ऊर्जा की बात आया, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है मेरे दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, जूल, ध्यान रखिएगा, जूल होता है। अगर आप टीवी के अंदर में बात करेंगे तो टीवी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में बदल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस चीज में बदलती है, लाइट एनर्जी में बदलती है, लाइट एनर्जी में प्रकाश आ जाता है। मसाल की अगर बात करेंगे तो मसाल में अगर बैटरी है तो बैटरी से वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और गर्म प्रकाश निकालती है। आयरन लोहे का बक्सा है, वही कहानी है, पोल लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर m है तो चंद्रमा पे क्या होगा, अगर गलत हुआ तो एक चम्मच में पानी ले आइएगा और चम्मच में पानी लाके इस प्लेट में ढार दीजिएगा और ऐसे पी लीजिएगा, है ना। m by 8, यहाँ पे m कर लीजिए, यहाँ m का पावर 2 by, यहाँ पे 2m/6 होना चाहिए ना आंसर, तो 2m/6 होगा, यहाँ 2m है, आप समझ गए होंगे, हिंदी में m लिखा हुआ है, अंग्रेजी में m कर लीजिए। पोल लगाइए 1, 2, 3, पोल लगाइए 1, 2, 3, फटाफट पोल लगाइए, थोड़ा लेट मत कीजिए मेरे दोस्तों, फटाफट लगाइएगा तभी कुछ हो पाएगा। पोल लगाइए, टाइम हो गया, आप बहुत लोग कर रहे हैं, m/6 होगा। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, द्रव्यमान का पदार्थ का फॉर्मूला क्या होता है, हैं? चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान तो m ही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान एक ही रहेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की आप बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी नहीं बदलता है मेरे दोस्त, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, मास अपने हमेशा अपने स्थान पर या उस स्थान पर कार्य करने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी बिना परवाह किए हुए सेम रहता है, मास डज नॉट चेंज। क्या आप लोग भी करते हैं मतलब ऐसे, हा? मास कभी नहीं बदलता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम ही तो हो जाएगा। अच्छा, मास का एसआई यूनिट क्या है, मास का एसआई यूनिट क्या है बताइए जरा, मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है, ध्यान रखिएगा केजी। नेक्स्ट, मालगुडी डेज, अगर गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक कौन है, आरके लक्ष्मण, आरके नारायण, आरके कपूर, बालाजी सुब्रमण्यम, फटाफट लगाइए 1, 2, 3, 5 सेकंड का पोल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। चम्मच में पानी ले आऊं, बिल्कुल ले आइए मेरे भाई, चम्मच में पानी ले आइए और लाने के बाद उसको इस प्लेट में डालिएगा, प्लेट तो मेरे पास है तो आप कैसे डालिएगा, है ना।
करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आर के नारायण। आर के नारायण याद रखिएगा, बहुत फेमस मालगुडी डेज है। मालके डाल एक क्या है, एक लघु कहानियों का संग्रह है, छोटी छोटी कहानियां हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि कितनी कहानियां हैं तो 32 कहानियां हैं इसके अंदर में, और सभी एक शहर है, एक शहर का नाम है मालगुडी डेज, एक काल्पनिक शहर है, एक शहर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक काल्पनिक शहर है मालगुडी, उसी मालगुडी की उसी के काल्पनिक शहर में, मालगुडी के काल्पनिक शहर में ये पूरी की पूरी कहानियां फ्रेम की गई हैं। इसके बारे में विशेषता ये है मेरे दोस्तों कि गूगल की अगर हम बात कर लेते हैं, गूगल ने वर्ष 2018 के अंदर में मालगुडी गेज का एक जो बुक था, उस बुक के पीछे गूगल डूडल की विशेषता दिखाते हुए नारायण को 108वें जन्मदिन की सराहना की थी कि जय हो भैया नारायण, तुम बहुत बढ़िया किताब लिखे हो। आर के नारायण थे कौन आखिर, तो आर के नारायण भारतीय लेखक थे, एक राज्यसभा सांसद थे भाई, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। कौन थे, तो राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद मेरे दोस्तों याद रखिएगा। 2001 के अंदर में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, 2001 में इनको पद्म विभूषण मिला था। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, जैसे मार्गदर्शक, स्वामी और मित्र, द डार्क रूम, अंग्रेजी शिक्षक, संपत श्री, द बैचलर ऑफ आर्ट, बहुत बढ़िया किताब है, आप भी जाके पढ़िएगा। और आर के लक्ष्मण कौन है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा आर के लक्ष्मण कौन है। आर के लक्ष्मण के बारे में अगर पूछ दे तो आर के लक्ष्मण कौन है, कार्टूनिस्ट हैं, एग्जाम में याद रखिएगा ये कार्टूनिस्ट हैं। कॉमन मैन टैकल करप्शन याद है ना, इनका सबसे बड़ा कार्टूनिस्ट है। रैमन मैक्सेसे पुरस्कार इनको मिल चुका है, याद रखिएगा रैमन मैक्सेसे पुरस्कार आर के लक्ष्मण को मिल चुका है। आर के नारायण के बारे में मैंने बता दिया, आर के कपूर को आप जानते ही, ये फिल्म अभिनेता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, डिस्कस हो चुका है, बक्सर, रोहतास, पटना, भोजपुर, पोल लगाइए 1, 2, 3। खाना कुछ चलिए, दलपिट्ठी चोखा बना दो ना, दलपिट्ठी या चोखा, आलू और टमाटर का चोखा, दलपिट्ठी, दलपिट्ठी या चोखा, चलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों रोहतास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास मेरे दोस्तों याद रखिएगा, रोहतास। बिहार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, अगली कब होगी, तो 2021 में होगी, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बिहार के अंदर में जो पुरुष साक्षरता दर था वो रोहतास का था, लगभग 85.29% हुआ करता था। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 1038046 37, याद रख लीजिएगा, है ना। बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो लगभग 49% महिलाओं, 46% महिलाओं की और बाकी पुरुषों की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लिंग अनुपात की अगर बात कर लीजिएगा तो बिहार में अच्छी लिंग अनुपात है, बहुत तरह की बात है, इसके ऊपर बहुत सवाल बन सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। स्क्रू गेज का उपयोग किस चीज को मापने के लिए, स्क्रू गेज किस चीज का किया जाता है, लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, देखिए बूरबक बनाता है, स्क्रू गेज से मापा जाता है कि नट कसा जाता है। क्वेश्चन है गलत है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन गलत है तो ई आंसर होगा, है ना। तो स्क्रू गेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरे मैंने ही गलत लगा दिया क्या पोल, जा नहीं नहीं सही तो लगाया था, सही लगाया था, स्क्रू गेज का उपयोग, स्क्रू गेज का सही लगा, फिर से पोलिंग दे दिया, लगाइए, एक्साइटमेंट में मैंने ही गलती कर दी एक्चुअली। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई मेरे दोस्तों, लंबाई याद रखिएगा। स्क्रू गेज क्या होता है, लंबाई को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, उस लंबाई के उपकरण को हम क्या कहते हैं, स्क्रू गेज कहते हैं। इसी स्क्रू गेज को एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मीटर स्केल, क्या कहते हैं, मीटर स्केल मेरे दोस्तों याद रखिएगा। इसको वर्नियर क्लिपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्नियर क्लिपर, वर्नियर क्लिपर भी कहते हैं, स्कूल में पढ़े होंगे आप, लंबाई का उपकरण है ना, इस तरह का वो दिखा रहता था ऐसे, और यहाँ पे वो यू नाम का ऐसे लगा रहता था, रिंच टाइप का, है ना, याद है ना, पढ़े होंगे आप। नेक्स्ट, सबसे कठिन पदार्थ कौन है भैया, सोना, प्लेटिनम, हीरा, लोहा, 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1, 2, 3। सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है मेरे भाई, सिविल इंजीनियर बेचारा जीवन अपना ड्राफ्टर के साथ ही काटता है, ड्राफ्टर जब खरीदता है तो ड्राफ्टर के साथ जीवन कट जाता है। टाइम अप, फोन लगाइए, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हीरा, याद रखिएगा। डायमंड सबसे कठोर है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन का सबसे हार्डेस्ट फॉर्म होता है और क्रिस्टलाइन होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और इसका कोई रंग नहीं होता है, आमतौर पर ये बेरंग सा होता है,
कहते हैं ना कि तुम बेरंग सी दिखती हो जब तुम किताब नहीं उठाती हो, इसलिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लो, शशि सर का क्लास करो, नोट्स बनाओ और तुम बेरंग से रंग में रंग जाओ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा हीरा। याद रखिएगा हीरा हो जाएगा सबसे करेक्ट, क्यों? क्योंकि हीरा के अंदर में जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है, जो कार्बन एटम होता है वो कितने कार्बन से घुरा रहता है, तो एक कार्बन एटम मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एक कार्बन एटम, दो, एक, तीन और एक, चार, याद रखिएगा एक कार्बन एटम जो होता है वो चार कार्बन एटम से घिरा होता है, इसी के लिए ऐसा होता है। अगर उसके अलावा परमाणु क्रमांक की बात कर लें तो सोना कितना होता है, 79, प्लैटिनम 78, लोहा 26, हीरा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीरे का कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु तरल है, नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आयोडीन, गंधक, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, पोल लगाइए 1, 2, 3। और इस क्वेश्चन में मैं वही उत्तर आपको दे रहा हूं जो आयोग ने दिया था, क्योंकि ये विवादित सवाल है, पोल लगाइए, ये विवादित सवाल है, इसीलिए मैं वही दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। टाइम हो गया, अब करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रोमीन। याद रखिएगा ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, जैसे ये घर का टेम्परेचर है ना, एसी पंखा कुछ नहीं चल रहा है, यहां प्लेट में ब्रोमीन रखेंगे लिक्विड हो जाएगा ये। अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर में बात करेंगे तो ये हैलोजन ग्रुप का माना जाता है, किस ग्रुप का है, ये हैलोजन ग्रुप का है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा हैलोजन ग्रुप का। और समूह संख्या कितनी है तो 17 मानी जाती है, 17 हैलोजन का समाप्त है। और इसकी परमाणु संख्या अगर कोई पूछ दे, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर हो गया 17 × 34, 35, याद रखिएगा 35 इसका जो है किस कलर का होता है, एग्जाम में ये भी पूछता है कि ब्रोमीन किस रंग का होता है, तो बोलिएगा गहरे भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे कलर का होता है, भूरे रंग का, किस रंग का होता है, भूरे रंग का, ये घुलनशील नहीं होता है, पूरे तरीके से घुलता है, अघुलनशील ब्रोमाइड के रूप में भी इसका योग जो है पृथ्वी पर फैला हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, बाली यात्रा या बाली की यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बाली यात्रा है इसका, द वॉयज ऑफ टू बाली, ये एक पूरा है, बाली यात्रा, बाली की यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, पूरी इंडिया जानती है कि बाली कहां मनाया जाता है, तमिलियंस मनाते हैं, अरे यार आंसर ही बता दिया, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, उड़ीसा। चलिए पोल लगा लीजिए, आप लोगों को फ्री में मिल गया ये क्वेश्चन, हटाइए। टाइम हो गया, अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन है ना, उड़ीसा। देखिए एक बात आपको कहना चाहता हूं, जीवन में एक शिक्षा देना चाहता हूं, कभी भी ना किसी का देखा देखी मत कीजिएगा, डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट, है ना। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि मेरा दोस्त जो है 8 बजे शाम को क्लास करने जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप भी ट्यूशन पकड़ लीजिएगा 8 बजे की, वो 8 बजे जाता है तो हम भी 8 बजे जाएंगे, तो मेरे भी ट्यूशन वाले सर ना बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट आंसर होता है ओडिशा, डोंट कॉपी पेस्ट। उड़ीसा की हम बात करते हैं, ओरिटा टेम, याद रखिएगा बाली यात्रा जिसको हम कहते हैं बाली की यात्रा, क्या है, वॉट इज दिस, बेसिकली क्या है कि ये यात्रा क्यों मनाया जाता है, याद में मनाया जाता है जो समुद्र है ना वहां आसपास के ओडिशा का जो समुद्री इलाका है, उस ओडिशा के समुद्री इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है कि ओडिशा का जो समुद्री इतिहास है, बाली, आपको पता ही है कि बाली वहीं से बगल में है, बाली का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बाली, बाली यात्रा शब्द का अर्थ क्या होता है, बाली यात्रा का मतलब होता है बाली की यात्रा। और ये कब मनाया जाता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उस दिन इंडोनेशिया द्वीप के लिए समुद्री व्यापारी वहां से ना, समुद्री व्यापारी जो है वहां से प्रस्थान करते हैं, वो जाते हैं बाली, और हम लोग आजकल शादी ब्याह करके घूमने जाते हैं बाली, और पहले के जमाने में लोग यहां से अपना वॉयज बुक करके समुद्री, जैसे ही ये होती थी क्या बोलते हैं पूर्णिमा होती थी, कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन वो जहाज स्टार्ट करके बाली जाते थे, शुभ मानते थे, है ना। और जब वो उनके पति चले जाते थे तो महिलाएं जो होती थी वहां एक त्यौहार मनाती थी, बोईता बंदना उसको कहते हैं त्यौहार को, बोईता बंदना। नेक्स्ट, आवर्त सारणी जिसको आप कहते हैं, पीरियोडिक टेबल की तीसरी अवधि में तत्वों की संख्या कितनी है, कौन नहीं जानता है जी, 2, 8, 8, 18 होता है ना, 18, 8, 32, 2, पोल लगाइए 1, 2, 3, बिल्कुल पोल लगाइए, पीरियोडिक टेबल के अंदर में पूछ रहा है, आवर्त सारणी के अंदर में तीसरी अवधि के अंदर में कितने लोग होते हैं, तो बताइए कि तीसरी अवधि में कितने होंगे, कॉमन सेंस की बात है, 2, 4, 6, 2, 8 होंगे, कॉमन सेंस,
कितने होते हैं पूरी इंडिया जानती है, कितना होता है 8 होता है, कौन कौन होता है कोई नाम बता सकते हैं, एनी वन नाम। देखिए जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना मेरे दोस्तों, कितने समूहों में बटा हुआ है, तो याद रख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में कुल 18 समूह हैं, और अवधि कितनी है, तो अवधि कितनी है तो 7 अवधियां हैं, ध्यान रखिएगा 7 अवधि है। नेक्स्ट NaCl, NaClO निम्नलिखित में से किसका सूत्र है, फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, NaClO तरल ब्लीच का, ब्लीचिंग पाउडर का, मार्स गैस का, क्लोरोफॉर्म का, पोल लगाइए 1, 2, 3। देखिए साइंस से कोई दिक्कत नहीं ना है, मान लीजिए कि आज 7 दिन हो गया, उतने दिन से हम साइंस मन से नहीं कराए थे, आज हम साइंस जानबूझ के थोड़ा ज्यादा डाले हैं, क्योंकि भाई एग्जाम में साइंस आ रहा है ना, तो बच्चे बीपीएससी में फेल कर रहे हैं साइंस के कारण। यू पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेलिंग, गेटिंग लो मार्क्स जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, इसीलिए हम थोड़ा आज साइंस का क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाए हैं। NaCl आपको पता होना चाहिए, NaClO आपको पता होना चाहिए, NaClO किसका फॉर्मूला होता है, तो तरल ब्लीच का होता है। तरल ब्लीच का मतलब क्या होता है, तरल ब्लीच का मतलब होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या होता है, हाइपोक्लोराइड, CHOLRID, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसको कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा ये NaClO होता है बेसिकली सोडियम, ये क्या होता है, तरल ब्लीच होता है। और ये काम किस तरह से करता है, इसका रंग होता ही नहीं है, ये कलरलेस होता है, याद रखिएगा मैक्सिमम जगह आपको बुक में कलरलेस मिलेगा, कहीं कहीं कहेगा कि पीला कलर होता है, हल्का पीला रंग का होता है ना। 35 मिनट हो गया है, 25 मिनट और बचा है क्लास, एकदम इंतजार से 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद घर जाइए, एकदम आदत बना लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर अगर आप कहिएगा तो डिस्कस कर दूंगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CLO2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, आपको पता ही होगा। आवनिक सूत्र इसका होता है, सफेद कलर का होता है, दानेदार होता है। मीथेन की बात करेंगे, मार्स गैस क्या होता है आपको पता है, CH4 वाला कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 क्या होता है, क्लोरम फॉर्म होता है, जो क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, बारिश कराने के लिए उसको बादल में छिड़काव किया जाता है, बादल के ऊपर ऐसे छिड़क देता है ना इस क्लोरोफॉर्म को, तो बारिश हो जाती है, याद रखिएगा है ना, मारेंगे फैट से बारिश हो जाती है, बेहोश हो जाएगा आदमी। कृत्रिम वर्षा में लाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है, अब बताइए, सिल्वर फ्लोराइड, चांदी का ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, पोल लगाइए 1, 2, 3। सर आज तो वर्ल्ड फेमस कविता, एक बार कविता होनी चाहिए क्या, बोलिएगा, अगर कहिएगा तो एक बार सुना देंगे, कोई बात नहीं है। तो टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सिल्वर आयोडाइड, यस सर, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, AgL, क्या होता है, AgL सिल्वर डाइऑक्साइड। और क्या होता है ये, जब भी हमको कृत्रिम वर्षा करानी होती है, कृत्रिम वर्षा करानी होती है, तो हम बादल के ऊपर हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ये बादल है, इस बादल के ऊपर इसका छिड़काव कर देते हैं, जैसे ही ये छिड़काव करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो कहानी खत्म हो जाता है, ध्यान रखिए। उसके अलावा बताइए तो जरा, इसमें से ABCDE में से किसका इस्तेमाल फोटो फिल्म फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में AgI ही लिखे हैं, L नहीं लिखे हैं, I ही लिखे हैं, किसका फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखिएगा है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। नेक्स्ट, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में, खुशी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 मार्च, 20 अगस्त, 20 मार्च, 3 मई। चलिए पोल लगाइए, इस बीच कविता सुना देता हूं, सुनिए कविता। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, नैन में मां के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं, बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं, पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा। चलिए, करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों सी ऑप्शन, 20 मार्च, याद रखिएगा,
सी ऑप्शन 20 मार्च। 20 मार्च को दुनिया भर के अंदर में विश्व खुशी दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। कोविड 19 के समय भी इसको मनाया गया था मेरे दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि 20 मार्च को मनाया जाता है और कोविड 19 के लिए भी मनाया गया था। और इस बार का थीम क्या है, हैप्पीनेस फॉर ऑल। क्या है थीम? हैप्पीनेस फॉर ऑल, याद रखिएगा, हैप्पीनेस फॉर ऑल इस बार का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, खनन और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भर लिख दिया है, आत्मनिर्भर, भारत के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? अभी अभी मोदी जी ने किया था, सत्यभामा भूमि उपज खनिज खेत पोल लगाइए, 1 2 3। नहीं सुन पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। बार बार कहते हैं श्वेता इंटरनेट तुम बढ़िया लगा लो घर में, है ना। टाइम हो गया, आप करेक्ट आंसर है सत्यभामा, ये एक पोर्टल का नाम है, पोर्टल है। इस पोर्टल के अंदर में क्या है, डिजिटली हमारे देश के अंदर में जितने भी खनिज हैं, जितने भी खनन क्षेत्र हैं, उनकी डेटा को यहाँ पे अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मो सेटिंग है? याद रखिएगा बीपीएससी का पूछा हुआ थर्मो सेटिंग बहुलक है। इसमें देखिए एक प्रकार का बेकेलाइट लिखना चाहिए, यही आंसर भी है, आपको भी पता है बेकेलाइट, टेरिलीन पोलिस्ट्रीन बेकेलाइट नियोप्रीन, पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पल पूरे लोग जानते हैं कि थर्मोसेटिंग के अंदर में क्या होता है, बेकेलाइट ही होता है, इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, इस बार 66वीं में पूछा गया भी था कि कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है, तो फ्लैट वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब क्या होता है, केचुआ होता है, पोल लगाइए 1 2 3। बम कुमार आ गए भैया, बम भाई स्वागत है आपका, बम भाई आपका स्वागत है मेरे दोस्त। चलिए टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। याद रखिएगा केचुआ एक ऐसा है जो वर्मी कंपोस्ट, देखिए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी प्रजातियों के कीड़े, आमतौर पर लाल विलगर्स, सफेद कीड़े और केचुओं का उपयोग किया जाता है, जो सब्जी वब्जी होता है ना, जो सर जाता है, उसी के मिश्रण से वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीएनजी में मुख्य रूप में कौन सी गैस रहती है? नियोन, मिथेन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम। थोड़ा फास्ट लगाइए मेरे दोस्तों, 1 2 3। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, बस और कुछ नहीं कहना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। सर मेरा नाम नहीं लेते, सत्येंद्र पटेल भाई जय हिंद, मेरे भाई जय हिंद, देश की रक्षा कर रहे हैं आप पे फक्र है, हमें नाज है, मेरे पूरे परिवार को, मेरी पूरी अनअकैडमी टीम को आप पे नाज है। ये मेरा जो दिल है सत्येंद्र जी, इस दिल के इतने हिस्से में आप रहते हैं, बाकी जो इतना सा हिस्सा है इसमें मेरी वाइफ है, और बाकी इतना हिस्सा इसमें 1 लाख बच्चे हैं, और ये 2 लाख लोगों के लिए जगह खाली है अभी, ठीक है। तो चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मीथेन, याद रखिएगा मीथेन। मीथेन क्यों होता है, क्योंकि आपको ही पता है कि सीएनजी कहते हैं इसको, सीएनजी के अंदर में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है, इसके अंदर में क्या होता है मीथेन सबसे ज्यादा होता है। कितना परसेंट होता है कोई बताएंगे, मीथेन कितना परसेंट होता है? नेक्स्ट, फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी दी है? बहुत बढ़िया, कोर्सेरा, यूडमी, यूडासिटी और कोड अकेडमी। देखिए कोड अकेडमी, यूडासिटी लिख दिया है, यूडाकेडमी, अन अकेडमी है रे परवा पगला, अन अकेडमी, आंसर भी यही है। अभी लोग आपको पता है कि पहला इंटरनेशनल अन अकेडमी ने साइन किया था, ये क्वेश्चन का पोलिंग नहीं होगा, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर कर लीजिए, पोलिंग नहीं होगा, ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग है। चल लगा लीजिए पोल, लगा लीजिए, छोड़िए लगा लीजिए, ये हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं जिसके साथ गूगल ने किया है। ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्सेरा, याद रखिएगा कोर्सेरा बहुत फेमस कंपनी है, मतलब इन चीजों के लिए, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए, 2020 के अंदर में ये हुआ है, 2020 के अंदर में, 2020 में G7 CR टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता है? आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, पूरी दुनिया के अंदर में पहले लगा लीजिए तालियां पुरस्कार, माइक्रोसॉफ्ट कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट मार्केटप्लेस, भारत के लिए CAA अवार्ड, पोल लगाइए 1 2 3।
बी से आप पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंट्री पार्टनर ऑफ द ईयर। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें यही है सिंपली कि इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए जाएंगे टेक्नोलॉजी के रूप में। टेक्नोलॉजी में जितना इनोवेशन लोग लेके आएंगे, इनोवेशन आएंगे उसके लिए अवार्ड देता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण, स्टार्च का घोल, पानी में छाछ, नाले में पानी, सीवेज वाटर, नाले का पानी, पानी में शक्कर, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना, होमोजीनस जो पूरा घुल जाए, है ना, तो पूरा घुलेगा, गटर का पानी उसमें मिल जाता है, पूरा कौन घुलेगा, टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया पानी में शक्कर। आपको भी पता होना है सजातीय, होमोजिनस का मतलब क्या होता है, होमोजिनस का मतलब होता है एक ऐसा यौगिक जिसमें अनुपात तो अलग हो लोग लेकिन मिलने के बाद एकदम वो बराबर हो जाए, है ना, अलग अलग, उसको विघटित नहीं किया जा सके, निकाला नहीं जा सके, इसलिए याद रखिएगा डी ऑप्शन, है ना, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए कि वह पहली ट्रांसजेनिक मछली, हाँ ये बहुत न्यूज में था और इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, पहली बार ये न्यूज में आया था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई आप लगा सकते हैं, ध्यान रखिए, अभी बहुत चर्चा में है आजकल। वह पहली ट्रांसजेनिक मछली कौन सी है जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, एंडी डॉली सेलमेन पाली, पोल लगाएंगे सभी लोग, 1 2 3। अच्छा कितने लोगों को ना बीपीएससी 67th के लिए मैं सोच रहा हूँ एक आधे घंटे का 30 मिनट का एक सेशन ले लूं, जिस 30 मिनट के सेशन में हम लोग ना बुक लिस्ट की बात कर लें कि कहां से पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ लें, और ये सेशन ना यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पर, और एकदम सीरियस सेशन होगा। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सेलमेन, ठीक है ना, सेलमेन याद रखिएगा ट्रांसजेनिक मछली है, और ये पहली ट्रांसजेनिक मछली है जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, अमेरिका में ये हुआ है, मानव मतलब अब इस मछली को आदमी खा पाएगा, बस इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं। डॉली आपको पता ही है कि डॉली क्या है, डॉली बेसिकली एक भेड़ का प्रजाति है, किस चीज का प्रजाति है, भेड़ का प्रजाति है, याद रखिएगा, दिस इज अ भेड़ का प्रजाति, वैसी भेड़ की प्रजाति जिसका स्तन होता है, ऐसी वस्तु का जिसका स्तन है और वो भी क्लोन करके स्तन लगाया गया। एंडी क्या है, एंडी दुनिया का पहला रीसस बंदर है जिसको ये किया गया, क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिक रूप है, कॉपी पेस्ट किया गया है, याद रखिए कृत्रिम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेलुलर प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, सेलुलर प्रोसेस के अंदर में, आप भी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, डीएपी, एलोबली, एटीपी, पूरा इंडिया जानता है, पावर हाउस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा में सेलुलर प्रक्रिया में जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे यार पोल नहीं आया क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो याद रखिएगा सेलुलर प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा में जाना जाता है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन आंसर जो है एटीपी होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एटीपी होता है, एटीपी का फुल फॉर्म कोई बताएंगे, एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट, याद रखिएगा, जानवरों के अंदर में और पौधों के लिए एक ऊर्जा का ये अणु है, अणु है, अणु एक तरह से, एटीपी क्या करता है, कोशिकाओं की ये ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकाओं के अंदर में बैक्टीरिया, कवक, पालक, कीड़े, मगरमच्छ, मनुष्य, इन सभी जो है, सभी प्रजाति जो है एटीपी का यूज करते हैं एनर्जी रूप से, और ये एटीपी एनर्जी आती कहां से, तो हमारे सूर्य देवता से, सन से आती है, सन से। अब देखो अब छेरोगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम बोलने लगेंगे तो आधा घंटा बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट, डॉल्फिन, डॉल्फिन पैरोइज वेल क्या कहलाती है, आपको पता ही है कि डॉल्फिन्स को, पॉर्पोइजेस को और वेल्स को हम क्या कहते हैं, किस प्रजाति में बांटते हैं, तो एक प्रकार का जहाज, उभयचर, केटासीन, ओडो, देख लो ये आधा इंग्लिश आधा हिंदी बुड़बक, कहीं का अंग्रेजी ले लीजिए, स्मैक, एम्फीबियन, ओडोंटोसिट्स एंड सीटासिन्स, पोल लगाइए 1 2 3। कल सुबह क्लास अपने टाइम से होगी, 8 बजे सुबह क्लास होती है, यही 1 घंटे की क्लास होती है, अटेंड किया कीजिए रेगुलर बेसिस पे। टाइम अप हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन,
उस एटीएम में ना हिस्ट्री ज्यादा होता है, हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दो सेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए सीटासिन्स बेसिकली क्या होता है, स्तनधारियों के लिए एक जलीय समूह होता है, उसका एक सदस्य इसको माना जाता है। जैसे वेल पक्षी क्या है, वेल क्या है, स्तनधारी है और जल के अंदर में रहती है। डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी है और जल के अंदर में रहती है। पूरा पाइसेस क्या है, स्तनधारी है और जल के, मतलब एक तरह से ना मछली की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, मछली की तरह। यूपीएससी के प्रिपरेशन से बीपीएससी का कवरेज होगा या नहीं, एक बार प्रकाश डालें इफ यू कैन। नहीं हो पाएगा मेरे भाई, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न क्या है, ये डीप थिंकिंग खोजता है। बीपीएससी क्या खोजता है कि ओवरऑल लिटिल थिंक, मतलब लिटिल थिंकिंग बट डीप स्टैटिक नॉलेज, याद रखिएगा डीप स्टैटिक नॉलेज। दीपम को तो जानते ही होंगे, इसी बार 66वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है ना, 66वीं में था या 65वीं में था, एक में है, 65वीं या 66वीं में। दीपम इंग्लिश में देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक अकाउंट मैनेजमेंट गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पोल लगाइए 1, 2, 3। बिल्कुल यार, बिहार एसआई के लिए क्यों नहीं होगा मेरे भाई, बिहार एसआई। ये आज 7वां दिन है, इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे प्रोफाइल से वीडियो देख सकते हैं, सुपर फास्ट जीएस टेस्ट के नाम से। ये आज 7वां दिन है, 6 दिन पुराना वीडियो आपका छूटा है, जाकर देखिए, मजा आएगा। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन, याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट 2016 और 17 के बजट के दौरान ये स्कीम लाया गया था, 2016 और 17 में इसको अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। और बेसिकली ये है क्या, तो जितनी भी एयर इंडिया हो गया सरकारी कंपनी है ना, उनकी संपत्ति को बेचने का काम इन्हीं को दिया जाता है, विनिवेश करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम इन्हीं को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, 22 मार्च 2017, 23 मार्च 2015, 22 मार्च 2015, 24 मार्च 2019। मोदी जी आए थे और बाहर लाए थे, आपको भी पता है, और बिहार है तो अपना हैप्पी बर्थडे के दिन किया होगा, ये भी आप जानते हैं। कुछ लोग चले गए, देखिए नेहा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, आप हैं इसलिए मुझे खुशी है और मैं प्राउड फील करता हूं। मेरे लिए 380 लोग ही काफी है, मेरे लिए एक बच्चा रहेगा ना वो भी काफी है, 1 is enough फॉर मी, I don't care of the numbers, है ना। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 22 मार्च 2015। याद रखिएगा 22 मार्च अपने बिहार का हैप्पी बर्थडे है, और बिहार के हैप्पी बर्थडे के दिन, बिहार के हैप्पी बर्थडे के दिन ये सशक्तिकरण की नीति अपनाई गई थी 2015 के अंदर में। इसमें क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि महिलाओं को सशक्त करना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, चारों रूप से। सामाजिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए समाज में एक से एक स्कीम चलाया गया, आर्थिक रूप से करने के लिए बैंकों के द्वारा ऋण की सुविधाएं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उपलब्ध कराई गई, राजनीतिक रूप से पंचायत में उनका रिजर्वेशन कर दिया गया, विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन कर दिया गया, तो तमाम तरह के महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया है। सर प्लीज पोयम लिखा हूं भेजना, भेजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं समझ पाया मजरूल भाई आप क्या कह रहे हैं, बिहार और बंगाल की भूमि पर किराएदारों के अधिकार आपको पता ही है, किराएदारों के अधिकार, बंगाल टिनेंसी एक्ट पढ़े होंगे, अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम का मान्यता कब दिया गया, मान्यता कब दिया गया, 68, 81, 85, 93। जो आप पोयम बोले थे उसको आप लिखे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आपको लिख के हम दें, आप ये चाहते हैं। टाइम अप, याद रखिएगा बंगाल टिनेंसी एक्ट, बंगाल टिनेंसी एक्ट क्या होगा, 1885, याद रखिएगा 1885 में किसानों के अधिकार के लिए ये जो विद्रोह हुआ था, ये टिनेंसी एक्ट जो हुआ था ये लाया गया था। बेसिकली इसकी जड़ की बात करेंगे तो 1793 में इसका जड़ जो है डीपली रूटेड है। 1793 के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में आपको पता होगा कि उसमें क्या हुआ था, जमींदारों को पूरा अधिकार दे दिया गया था कि भैया जाइए और अब किसानों का जैसे भी शोषण करना है करके लाइए, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों को पैसा चाहिए था। इसीलिए क्या हुआ कि जमींदारों का शोषण होने लगा, और जमींदारों का शोषण का विरोध करने के लिए पाबना जिला है, याद रखिएगा कौन सा जिले, पाबना जिला, जिसको पाबना भी लोग कहते हैं, इसी पाबने जिला के अंदर में 1873 के अंदर में एक लीग का गठन हुआ। फिर ये कहानी बढ़ते बढ़ते 1885 के अंदर में जमींदार उत्पीड़न के सबसे बड़े पहलू, उसके बुरे हुए पहलुओं से बचाने के लिए 1885 के अंदर में इस टिनेंसी एक्ट यानी किराएदार अधिनियम को मान्यता दे दी गई। अच्छा, और भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे 19वीं शताब्दी के अंदर में इंडिगो विद्रोह 1859 से 60 के बीच में, रंगपुर के अंदर में 1883, कोल 1832 छोटा नागपुर के पठार में, मोपला 1841 से लेकर 1920 तक चला मालाबार के इलाकों में, दक्कन का विद्रोह, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं।
अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने बिहार के बिहटा में कोविड 19 रोगियों को समर्पित 500 बिस्तर वाले एक अस्पताल का उद्घाटन किया जो पीएम केयर फंड ट्रस्ट से खोला गया है। पीएम केयर ट्रंड फर्स्ट से बिहटा के अंदर में खोला गया है, आपको बताना है और आप जानते भी होंगे इसको। डॉक्टर हर्षवर्धन, नित्यानंद राय, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, पोल लगाइए। इतना बड़ा काम कौन करेगा? अगर नहीं भी उत्तर मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा काम है तो कौन करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय, याद रखिएगा नित्यानंद राय इज द करेक्ट आंसर। नित्यानंद राय ने 500 बेड का कोविड 19 का ईएसआई का या क्या बोलते हैं एम्प्लॉय वाला जो होता है ईएसआईसी है ना, एम्प्लॉय स्टेट ऐसी होता है ना इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उनका ये है, ध्यान रखिएगा उन्हीं का ये है। यहीं पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है। सबका पीडीएफ मिलेगा भैया, अभी रुक जाइए। पीडीएफ एक गूगल ड्राइव लिंक में मिलता है, मैं उसमें डेली 3 PDF अपलोड करता हूँ, एक सुबह 8 से 9 वाली क्लास का, एक 9 से 9:30 का करंट अफेयर का, और एक 8 PM का। आज जितना पेंडिंग है अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा अपलोड कर दूंगा, पेंडिंग जितना भी है ना, जितना पेंडिंग है सारा अपलोड हो जाएगा। किसी घड़ी की मिनट सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, साइंस का। 2 सेंटीमीटर इसकी सुई इसी बार आया था शायद ये, और 10 मिनट में सुई की नोक कितनी दूर तक जाएगी? तो पोल लगा दीजिए 1, 2, 3। 2 है तो 2 होना चाहिए, कॉमन सेंस का बात है ना। डिग्री बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या होता है या नहीं होता है? तो 1 डिग्री कह रहा है ना, 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई का पावर सी बटा 180। अब पाई बराबर यहां क्या दिया हुआ है? पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 ऊपर चला गया यानी 2 पाई, या बाई में 3 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। यदि ए प्लस बी का मान 17 है और ए बी बराबर 72 है, ए प्लस बी का मान 17 है और ए बी बराबर 72 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उत्तर निकल जाएगा, और आप हमको लगता है कि क्वेश्चन को पहचान गए होंगे। कहीं देखें इस क्वेश्चन को, जो लोग 66वीं दिए होंगे या 65वीं दिए होंगे इसको पहचान गए होंगे। 66वीं का है ना, 66वीं का है। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। कैसे? आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 17, ए प्लस बी यानी 17 का स्क्वायर इधर हो गया बराबर, यहां माइनस में इधर 2AB आएगा, तो माइनस 2 × 72 ये हो गया 144, और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 289 में से इसको घटा दीजिएगा तो 145 आएगा। नेक्स्ट, नंदा देवी जय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी को आप जानते होंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। ई ऑप्शन यहां पे छूट गया है, इंग्लिश में यहां दिया हुआ है नन ऑफ एवव। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइव का लिंक नहीं है जहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइव का लिंक नहीं है? चलिए, तो ड्राइव का लिंक मैं आपको दे देता हूं 2 मिनट के अंदर में, ठीक है ना? ड्राइव का मैं लिंक आपको 2 मिनट में देता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, नंदा देवी की जब जब बात आती है तो नंदा देवी क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है ये, हिमालय जो अपना है ना, हिमालय के यहां पे जो उत्तराखंड है इसी राज्य के अंदर में स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जी? त्रिवेणी सिंह रावत, TS रावत है। कौन है? TS रावत है। नंदा देवी को और उसके बगल में एक फूलों की घाटी है, इन दोनों को राष्ट्रीय उद्यानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, और ये क्या है? विश्व की धरोहर की सूची में है, याद रखिएगा विश्व की धरोहर। नंदा देवी के अंदर में जानवर भी मिलेंगे और पौधे की भी बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी, इस बात को याद रखिएगा। जैसे हिमालयन मस्क डियर हो गया, ताहर हो गया, हिमालयन तेंदुआ हो गया, ब्लैक बियर हो गया, ये सब यहां मिलते हैं, याद रखिएगा। और आपको अगर लिस्ट चाहिए होगा कि कौन से राज्य में कौन है तो मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट, किस विटामिन में, थोड़ा फास्ट कीजिए, 5 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे, थोड़ा फास्ट, 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 5 मिनट में खत्म करेंगे, 5 से 8 मिनट में। किस विटामिन में एक धातु घटक होता है? विच विटामिन कंटेन अ मेटल कंपोनेंट? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। पोल लगाइए 1, 2, 3। टाइम हो गया, आप याद रखिएगा विटामिन B12 एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कोबाल्ट का नाम सुना है? इस पर विवाद भी हुआ था, 65वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया था और बहुत विवाद हुआ था।
इसको कोबालीन के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोबालीन, कोबालीन, कोबालीन के भी नाम से जाना जाता है, उस रूप में भी जाना जाता है। ये कहां पाया जाता है? B12 क्या खाएंगे? तो याद रखिएगा, मीट, मछली, कतला मछली खाइएगा, कतला, पोल्ट्री फार्म का अंडा खाइएगा, अंडा करी बनवा के कल खाइएगा, डेयरी का दूध का पदार्थ लीजिएगा, तो उसमें भी, दूध में भी पाया जाता है विटामिन B12। RBC को बनाने में बहुत मदद करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एनेमिया जो है, पेरिनियस एनेमिया, विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रेटिनॉल होता है, कलर ब्लाइंडनेस। सैवाल बनाने के लिए, सैवाल बनाने के लिए, सैवाल और कवक, कवक के बीच बातचीत को कहा जाता है, द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड एज, बहुत इजी ऑप्शन है, पैरासिटिज्म, म्यूटिलिज्म। यही आंसर आ गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम हो गया है अब। बस लिंक लगा रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, लिंक आपको दे रहा हूं, ये रहा लिंक, ये रहा कॉपी, ये रहा पेस्ट, एक सेकंड। चलिए लिंक लगा दिया, क्लास जब खत्म हो जाएगा यूज कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूटिलिज्म। म्यूटिलिज्म के सिद्धांत होते हैं, इसी सिद्धांत के, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, जो मतलब जो अलगाव जो होता है या एल्गाल होता है वो घटक होता है, और फंगल भी होता है, वो भी घटक होता है, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट, ECG क्या दर्ज करता है? BPSC का पूछा हुआ सवाल है ECG के बारे में। दिल की धड़कन की दर, संभावित अंदर, वेंट्रिकुलर एकाग्रता, रक्त पंप की मात्रा। पोल लगाइए 1, 2, 3। ECG का फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ECG का फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ध्यान रखिएगा, इसका कार्डियोग्राम होता है मेरे दोस्तों। ECG दिल का धड़कन है ना, दिल का धड़कन जो है ये मापने का, इसका रिकॉर्ड होता है, ऐसे 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 ऊपर उठता है, आप देखते होंगे। और ECG को विकसित किसने किया था? तो सबसे पहले विलेम एंथोवेन के द्वारा विकसित किया जाता, किसके द्वारा? इसको किया गया था विलेम एंथोवेन ने इसको विकसित किया था। कब किया था? डेट नहीं याद है, 1700 कुछ में किया था, है ना, ध्यान रखिएगा। ग्राफ होता है, ग्राम नहीं, ग्राफ, ग्राम लिख दिए हैं क्या? ग्राफ हो। इतना तो सुधार आप भी कर सकते हैं मन्नू सिंह राजपूत जी, हाँ आप बताइए मन्नू जी, आप जगह खाली नहीं कर रहे हैं, जो दिल है मेरा इसमें आप इतना जगह आप भर लिए हैं, बताइए कैसे होगा? इतनी सिम खाली बचा है, बाकी लोग कैसे रहेगा? हाँ, अनुवांशिक उद्योग, अनुवांशिक उद्योग में क्या शामिल है? जेनेटिक इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। सर लिंक नहीं ओपन हो रहा है, लिंक ओपन हो रहा है मेरे भाई, आप उसको लैपटॉप में ओपन कीजिएगा या इसको कॉपी करके गूगल ड्राइव से नहीं ओपन कीजिएगा इसको। जैसे आप जब इस पे क्लिक करते होंगे ना, तो दो ऑप्शन आता होगा, एक आता होगा क्रोम का और एक आता होगा ऐसे ड्राइव बना हुआ, तो ड्राइव से खोलिएगा, ड्राइव से, ड्राइव से खोलिएगा, खुल जाएगा मेरे भाई, ये चेक है, है ना। अनुवांशिक उद्योग बहुत इजी क्वेश्चन है, कृषि, मत्स्य, शिकार, खनन। सबसे पुराना हमारा क्या है? हेरिडेटरी, जो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है। पूर्वज क्या करते थे? तीर निकाल के मार देते थे। इतना इजी क्वेश्चन है, पोल लगाइए 1, 2, 3। टाइम हो गया अब, करेक्ट आंसर क्या हो गया? एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में आपको पता है कि DNA और RNA का आप स्टडी करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में, तो उसको यहां से कंपेयर मत कर लीजिएगा। टीका, जल्दी कीजिए, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था? लुईस पास्टर, जोसेफ लिस्टर, रॉड कोच, एडवर्ड जेनर। कौन आदमी था भैया? टीकाकरण टेक्नोलॉजी कौन दिया था? चेचक, याद है चेचक निकला था, बीमारी तो भोंक देता था इसे, जैसे अभी कोरोना निकला है ना, उसी समय अपने जमाने में चेचक हुआ करता था, चेचक, और उस चेचक में इंजेक्शन दिया था एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने ही टीका तकनीक का, टीकाकरण करने का जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ये कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे, और साथ ही साथ ब्रिटेन के रहने वाले थे, यानी अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज, ब्रिटानी थे। लुईस पास्चर जानते ही होंगे, शराब को खट्टा करने के लिए रोगाणु जिम्मेदार होता है, जिसको आप पाश्चीकरण कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं, पाश्चराइजेशन लुईस पास्चर इन्हीं का दिया हुआ है ना।
बहुत कुछ है। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच कौन था? जीवाणु को जो तपेदिक जीवाणु होते हैं उनको अलग करने के लिए जाना जाता है। नोबल प्राइज मिला है इनको 1905 के अंदर में, नोबल प्राइज कॉलरा की बीमारी। बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन ढोकला बनाने में शामिल है? फेमस क्वेश्चन है और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। उथलापन, गहरा तलना, किवनन, उबलना। गलती मत कीजिएगा मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आए तो इधर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 बाद में सुन लीजिएगा, लाइव सुनना है ना श्वेता झा जी, तो क्लास जब खत्म हो जाएगा बैक करके सुन लीजिएगा क्या इसमें रखा है। करेक्ट आंसर हो गया फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, क्यूनन कहते हैं। ढोकला, ढोकला जब बनता है तो ढोकले में क्या होता है, जो बैक्टर होता है ना, बैक्टीरिया, उसमें पता है खट्टा दही मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा बनाया जाता है, और वही सब जब मिलता है तो वो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेट होता है, बुदबुदाता है। अच्छा सुना देंगे, सुना देंगे लास्ट में, 2 क्वेश्चन और है, 48 है, 50 तक करा लेते हैं तो सुना देंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे हम। वायु प्रदूषक, प्रदूषक जो प्रकृति में द्वितीयक है, सेकेंडरी है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट, मीथेन या इनमें से कोई नहीं। टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, बेसिकली एक प्रदूषक है ये क्या है? एक प्रदूषक है, प्रदूषक में क्या होता है, ये पर्यावरण के ऊपर में बहुत मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि अगर इसकी स्थिति अगर ये रहे तो बहुत ज्यादा मतलब कचरा नहीं होगा, रेडियोधर्मी कचरा, गैसीय प्रदूषक, ये सब मोनोऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब से ये आगे निकल जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप गलत बताकर दिल तोड़ देते हैं, किस चीज में गलत बता रहे हैं सिंधु जी बताइए। इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव सबसे पहले किया गया था, देखिए मैं गलत ना जानबूझ के आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाती है ना सिंधु जी, जब आप एग्जाम देने जाती है ना तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो आप गलत मार देती हैं, तो हम आपको यही कंफ्यूज करा देते हैं, बस हम इतना सा काम करते हैं, और मेरे हिसाब से ये काम जरूरी है, बीच बीच में होते रहना चाहिए, इसीलिए हम करते हैं, जानबूझ के करते हैं। एजी तंसली, टायलर मिलर, कोस्टजाना, जैकब वैन वर्कुल, पोल लगाइए। इकोसिस्टम किसके द्वारा पहली बार दिया गया था, पूरी दुनिया जानती है। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, पारी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंदर में कौन रहता है, इसके अंदर में लिविंग बॉडी भी रहता है, नॉन लिविंग बॉडी भी, जीवित रहते हैं, गैर जीवित दोनों रहते हैं, और दोनों में एक दूसरे के बीच में पर्यावरण के बीच में बातचीत होते रहती है। और ये टर्म जो है एजी तांसली कह लीजिए या एजी टैंस कह लीजिए, इनका नाम टैंस होता था, इन्हीं के द्वारा दिया गया, है ना। अब इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अब उसके अंदर में हम लोग नहीं जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पोल लगाइए। 1 2 3 हिस्ट्री कल कराएंगे, आज थोड़ा साइंस पर ज्यादा फोकस था मेरा, और जानबूझ के हम किए थे बाबू, सिद्धांत भिखारी जी, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, आप जानते हैं आसाम के अंदर में है, आसाम का सबसे पुराना पार्क, आसाम का मुख्यमंत्री कौन बना है, आज सुबह पढ़ाए हैं, अगर गलत हुआ समझ लेना, आसाम का मंत्री कौन बना है, पूरा नाम बताइए, स्टेलिन, बिस्वा, कौन बिस्वा, हिमंत बिस्वा शर्मा, है ना, हेमंत बिस्वा बने हैं, स्टेलिन बता रही है, कौन है जी स्टेलिन, तमिलनाडु के बने हैं स्टेलिन। काजीरंगा सबसे पुराना है, आसाम के अंदर में है, 1974 के अंदर में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। दुनिया के अंदर में एक सिंह वाला गैंडा, दुनिया में जितना एक सिंह वाला गैंडा है ना, उसका 2/3 गैंडा यहीं पर है, एक सिंह वाला गैंडा, याद रखिएगा एक सिंह वाला गैंडा। भारत के अंदर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची, विश्व धरोहर सूची के अंदर में ये शामिल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा किस राज्य में है, मैंने आपको बार बार मैसेज किया, नहीं देखा मैंने मैसेज आपका, मैसेज भी नहीं पढ़ पाया। देखिए मैं कहता हूं एक कविता जाते जाते आप सभी से कह के जाता हूं मेरे दोस्तों, कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख है मोड़ चुके,
किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, करकर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब घायल हुआ मेरिट से जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, बेटा और बेटी अपनी माँ को कहते हैं सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन डीएसपी लौटूंगा, बस बन डीएसपी। बहुत भावनात्मक रूप से इससे मैं जुड़ा हूं, मैं बता नहीं सकता हूं इतनी भावनात्मक है ये मेरे लिए कविता जो बता नहीं सकता। चलिए लीडर बोर्ड देख लीजिए, मेरा खुद का कंपोज्ड है मेरे भाई, खुद का है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, खुद का है। फोर्टींथ रैंक, अपना अपना रैंक कमेंट कीजिए सभी लोग। तो जरा सभी लोग अपना अपना रैंक 246, तनुश्री प्रियंका 48, कीर्ति 29, अनुप्रिया 66, जागृति नेटवर्क प्रॉब्लम, आर्यांश गौरव शर्मा 209, रॉकी का 7, अंजलि 68, सौम्या 56, मेघापुलिस 61, राहुल ठाकुर 175, मानवी 190, 228, 209, निधि 122, रेवती जी 228, चंद्रप्रभा 129, रोशन 51, राजीव 90, अर्चना 22, प्रियासी 18, 270, सिमरन धीरज 19, पुष्प आर्यन गौतम एक नंबर रैंक है। हाँ आर्यन गौतम हम चेक कर रहे थे, गलत नहीं ना बता रहा, राजीव रंजन 9। अच्छा राजीव तुम क्लास करते हो, तुम वही राजीव हो ना जो मैं समझ रहा हूँ, अपना छोटा लिटिल स्टार राजीव। अच्छा आप वो राजीव नहीं हो, कोई बात नहीं। चलिए तो हमारी और आपकी मुलाकात कल सुबह होगी 8 बजे, 8 बजे फ्री क्लास है, 8 बजे फ्री क्लास में जरूर आइएगा। और हाँ अभी तक आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो हमारा रेफरल कोड आपको पता है SSR10 है हमारा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं एक साल की पुष्पा राहुल रॉय, पुष्पा राहुल रॉय आपका नाम ले लिया, एक साल का जो फीस है वो है ₹7,920 इस रेफरल कोड को यूज करने के बाद। क्वाइन इसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं 7120। सर मेरी बातों को एक बार सुन लीजिए, नेहा जी बोलिए, अब हम मैसेज देख रहे हैं नेहा, आप मैसेज टाइप कीजिए, हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। सर मैं अपने भाई को दिलवा रही हूं, बिल्कुल, थैंक यू अदिति, थैंक यू इन एडवांस, रेफरल कोड SSR10 यूज कर लीजिएगा, और 12 महीने का अगर आप लीजिएगा तो 2 महीना अभी एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेगा, यानी 14 महीने का मिलेगा। थैंक यू प्रांजलि जी, बहुत लोगों ने हैट डेडिकेट किया है, मैं नाम नहीं ले पाया था, दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहनत करते रहिए पढ़ते रहिए जरूर आप सफल होंगे। नेहा जी आपका नहीं आया, सर बुक लिस्ट का यूज यूट्यूब वीडियो कल करेंगे, कल रात में 9:30 बजे के आसपास या 9:15 बजे क्लास लगा लेंगे, इस क्लास के बाद 15 से 20 मिनट का होगा, एक एक चीज एकदम माइन्यूटली बता दूंगा आपको मैं। यूपीएससी का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है क्या करूं, इजहार जी यूपीएससी में क्लास कीजिए, मेरी शुभकामनाएं, आप जल्द से जल्द यूपीएससी क्वालिफाई करें। तीसरा कर्नाटक युद्ध का नोट्स नहीं दिए हैं, ठीक है सत्येंद्र जी दे देंगे। और किसी का आया जी, सर मैंने ले लिया है आपके रेफरल कोड से, विद्या सालिनी सिंह, थैंक यू विद्या सो मच,
सर मैं सब्सक्रिप्शन ले चुकी हूं, मुझे आपका प्लस ज्वाइन करना है। मेरी प्लस क्लास हो रही है शाम में 5:30 बजे, शाम में 5:30 बजे हो रही है, ठीक है ना। मेरे प्रोफाइल में जाइए, वहां आपको दिखा देगा नेक्स्ट क्लास मेरा कब है, तो वहां से आप उसको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? इस लिंक में मिलेगा। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं सारा पेंडिंग पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका जून तक, जून एंड में कंप्लीट होगा। नहीं कैसे खुलेगा मेरे दोस्त? ये है, इसको लिंक को क्लिक कीजिए, इसमें दो ऑप्शन आएगा, एक गूगल क्रोम, एक ड्राइव लिंक। ड्राइव लिंक पर क्लिक करके इसको खोलिए, खुल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। जय हिंद।